वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं इंजीनियर पांडा। अगर ये वीडियो कोई अगर पहली बार देख रहा है तो मैं बता दूं, हम लोग हफ्ते में एक वीडियो ऐसे डालते हैं, आइदर वो इन्फॉर्मेटिव रिलेटेड रहती है या फिर एंटरटेनमेंट रिलेटेड रहती है। सो यस, इन्फॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट का एक ही फंडा, देखते रहना इंजीनियर पांडा। ये वीडियो होने वाले है सिडको के जो अपडेट्स आए हैं अभी, जो रिसेंटली 15 दिन पहले जो न्यूज़ फ्लैश हुई है कि सिडको अभी लॉटरी कैंसिल करने वाला है। मतलब ये गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ कैसे है तो वीडियो एंड तक देखते रहना, आपको पता चल जाएगा कि ये गुड न्यूज़ क्यों है। बिकॉज लॉटरी सिस्टम अभी कम्प्लीटली बंद होने वाली है, क्या क्राइटेरिया रहेगा, आपको कितना इंतजाम करना रहेगा पैसों का, वो पूरा ये वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अभी स्टार्ट करते हैं हमारा पहले इंट्रोडक्शन और उसके बाद वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बिकॉज जो YouTube का क्राइटेरिया है मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए, जिसे कम से कम 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 घंटे का वॉच टाइम है, वो आपने 5 महीने ही कंप्लीट कर दिया है, इसलिए मेरा चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो गया है। थंबनेल देख के आपको पता चल गया रहेगा कि ये वीडियो किस बारे में है। यस, मैं सिडको की लॉटरी की अपडेट के बारे में बोलना चाहता हूँ, बिकॉज वो जो दो वीडियो है उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है वो वीडियो के लिए। तो मेरा फ़र्ज पड़ता है कि सिडको के लॉटरी के बारे में आपको मैं रेगुलरली अपडेट देता रहूँ, और मैं यही चाहता हूं कि आपके पास भी अपना खुद का घर हो नवी मुंबई में। तो तीन मेजर अपडेट रहेंगे जो न्यूज फ्लैश हुई थी। आप अगर स्क्रीन पे देखते रहोगे तो सिडको का लॉटरी अभी कैंसिल होने वाला है, मतलब ये गुड न्यूज है। अभी बहुत लोग बोलते रहेंगे कि लॉटरी अगर नहीं रहेंगी तो ये गुड न्यूज कैसा, बट लिटरली गाइज मैं बोलता हूं, अगर ये आप न्यूज पूरा देखोगे और पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत बढ़िया न्यूज आने वाली है। न्यूज नंबर एक, सिडको का जो अभी लॉटरी सिस्टम है, अभी वो लॉटरी सिस्टम नहीं रहने वाला है। उसका थोड़ा बैकग्राउंड आप लोग जान लो कि 2018, 19 और 20 में जो लॉटरी निकली थी उनमें से तकरीबन 7 या 8 हज़ार घर ऐसे हैं जिन्होंने मतलब लॉटरी लगी है फिर भी उन्होंने लिए नहीं है, या फिर उनके डॉक्यूमेंट कुछ कम पड़े हैं, या फिर वो बाय चांस कैसे तो कैंसिल हो चुके हैं। सिडको ने ये कंसिडर करते हुए उन्होंने ऐसा बोला है कि 2021-22 के बाद का जो भी रहेगा हाउसिंग स्कीम का, वो लोग लॉटरी नहीं निकालेंगे। वो ऐसा है तो वही हमारा पॉइंट नंबर वन है। वो पॉइंट नंबर वन है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले एप्लीकेशन करेगा उसको घर दिया जाएगा। तो यस, तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ है कि आपको सीधा करना है एप्लीकेशन। तो अगर आपको एप्लीकेशन कैसे करना है, सिडको का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो मेरा ये वीडियो अब आई बटन पे अगर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप मैंने उनमें बताया है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, और आपका जो रजिस्ट्रेशन का अकाउंट है सिडको में जो आप करोगे तो वो कैसे वेरीफाइड होगा, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो पूरा वीडियो डिटेल में आपको यहाँ पे आई बटन पे दिख जाएगा। आप क्लिक करना और देख लेना ये वीडियो के बाद। सेकेंड पॉइंट ये न्यूज़ में ये है कि जो पहले EWS कैटेगरी में और LIG कैटेगरी में जो डिपॉजिट भरा जाता था वो 5000 और 25000 ऐसा था, अभी वो डिपॉजिट 5000 और 25000 नहीं रहेगा। जितना भी फ्लैट का कीमत रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर सिडको अगर ये घर बेच रही है 30 लाख में, 25 या 30 लाख में, अगर 25 लाख में बेच रहे हैं तो उसका 10% 2.5 लाख आपके पास रहना चाहिए एज अ डिपॉजिट, बिकॉज जिसको जरूरत रहेगी वही वो 2.5 लाख भरेगा, अदरवाइज नहीं भरेगा, ऐसा उनका थिंकिंग है। तो उन्होंने वैसे ही किया है कि जिसको जरूरत रहेगी वही वो 2.5 लाख भर के घर ले लेगा। पहले कैसे होता था कि बहुत लोग लॉटरी में एप्लीकेशन करते थे जिनको लॉटरी लगी है, जैसे कि मेरा एक दोस्त था, उसको 2 घर मिला था तलोजा में, पर उसने दोनों ही घर कैंसिल कर दिए, उसका फाइनेंशियल कुछ तो प्रॉब्लम हुआ इसीलिए। तो वैसे ही होता है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है कि जिसको जरूरत रहेगी वही एप्लीकेशन करेगा और वही डिपॉजिट भरेगा और उसको ही घर दिया जाएगा। तो यस, इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। जिनको भी अगर घर लेना रहेगा तो 2.5 से 3 लाख आप अपने सेविंग अकाउंट में बचा के रखो। 2021 में बहुत ही बढ़िया न्यूज़ आने वाली है। मतलब ऑलरेडी न्यूज़ आ चुकी है कि 1 लाख घर का जो हाउसिंग स्कीम है वो सिडको रिप्रेजेंट करने वाला है। तो यस, और यस उसका लोकेशन क्या रहेगा मैं आप वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। ये न्यूज़ में तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो मार्केट रेट रहेगा, मतलब जैसे कि अभी सपोज तलोजा में 35 या 40 लाख अगर कीमत चल रहा है मार्केट रेट के हिसाब से, तो सिडको क्या करने वाली है, 10 लाख कम करके आपको बेचने वाली है। तो देखो ये बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो यस, बी प्रिपेयर। तो ये न्यूज़ रिलेटेड ये 3 मेजर पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि मैं आप तक पहुंचाना चाहिए मुझे, और अगर आप भी चाहते हो कि किसी और को भी पता चले तो ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना। आपको बस इतना करना है कि 2021 तक वेट करना है कि सिडको लॉटरी कब अनाउंस करने वाली है, उसका लोकेशन क्या रहेगा।
तो मैंने थोड़ा सा स्टडी किया हुआ है, दो लोकेशन मुझे पता चल गया है, एक तो तलोजा रहेगा और दूसरा खारगर। अभी आप स्क्रीन पे अगर देखोगे तो खारगर जो डीमार्ट है, जो हाईवे जाता है उसके बाजू में ही डीमार्ट है लेफ्ट साइड में, तो डीमार्ट के सामने बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन चालू है। मुझे लगता है कि सिडको का लॉटरी का जो रहेगा वो यहाँ पर भी रहेगा ये लोकेशन पे। दूसरा मैंने इसे सुना है कि खांदेश्वर स्टेशन के बाहर और वाशी स्टेशन के बाहर सिडको का नया प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे कि 2021 में जो वो अनाउंस कर रहे 1 लाख लॉटरी का, तो वो लोकेशन रहेगा। तो जिनको भी जेन्युइनली नवी मुंबई में सिडको के थ्रू अगर घर लेना है तो उनको सिर्फ यही करना है कि सबसे पहले तो न्यूज में अपडेट रहना पड़ेगा कि सिडको का जो न्यू 1 लाख लॉटरी का जो, मतलब 1 लाख लॉटरी अभी हम लोग बोल नहीं सकते, स्कीम ही बोलेंगे, सिडको हाउसिंग स्कीम है, वो कब लॉन्च करने वाली है, उसके बाद उसको रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। सेकंड थिंग, 2.5 से 3 लाख आपके अकाउंट में सेव करके रखना, ताकि अगर आपका एप्लीकेशन पास होता है तो इमीडिएटली आप डिपॉजिट भर सकते हो। और थर्ड थिंग, आपको जो कीमत रहेगा उसका फ्लैट का, उसके लिए उतना पैसा जमा करने की ज़रूरत नहीं है, सिडको उसके थ्रू लोन प्रोवाइड कर देती है, मतलब उनका HDFC बैंक से टाई अप है, तो वो इमीडिएटली लोन का प्रोविजन भी हो जाता है। प्लस प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं तो वो आप रेडी करके रख देना। तो ये सारे अपडेट्स थे सिडको के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करना कि ये वीडियो बहुत लोगों के पास चला जाए, बिकॉज बहुत लोग ऐसे हैं जिनको जेन्युइनली घर चाहिए नवी मुंबई में। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबाना, अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, अगर वीडियो जरा भी पसंद नहीं आई तो डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हो। बस याद रखना, इन्फॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट का एक ही फंडा, देखते रहना इंजीनियर पांडा।